से हूँ मैं आपके लिए एक लीडरशिप डेक लेके आया हूँ जो कि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट को लेके है। बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट कब तक जारी होगा। उसको लेके मैं आपको लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट बताने वाला हूँ कि कब तक आपका इनरोलमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी और एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एयरफोर्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो मैं आपको दो इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूँ एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के रिजल्ट को लेकर और एनरोलमेंट लिस्ट को लेकर। ये टू बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आपकी एनरोलमेंट लिस्ट और एक्स वाई ग्रुप के रिजल्ट को लेकर है। चलो मैं आपको उस ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूँ जहाँ रिजल्ट को लेकर क्या कहा जा रहा है। ये लेटेस्ट नोटिस दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो, इंडियन डिफेंस सर्विसेज चेंज एयरमैन रिजल्ट एंड इनरोलमेंट लिस्ट लेटेस्ट न्यूज़। इनरोलमेंट लिस्ट और एयरमैन रिजल्ट को लेके जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप ये इंपॉर्टेंट नोटिस देख सकते हो, कैंडिडेट विल बी हायर्ड ऑन सर्विस फॉर 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स एंड अप टू 15 ईयर्स के लिए सर्विस। और बात करें एनरोलमेंट लिस्ट और रिजल्ट को लेके, रिजल्ट फॉर स्टार 1 2021 एंड फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट फॉर इंटेक 2021 इज़ लाइकली टू बी डिक्लेयर ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एयरमैन सिलेक्शन .cdac.in पे आपको रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपकी ऑन जनवरी, आप देख सकते हो 18 जनवरी 2022 अपॉन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट न्यूज़। देख सकते हो आप, जो आपके 18 जनवरी 2022 को बताया जा रहा है कि आपको रिजल्ट ऑफिशियल साइट पे देखने का मिल जाएगा। ये मित्र से आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है। अगर ये आपको अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि ये आपको मैं लेटेस्ट अपडेट बता दी है, यही अपडेट है जो कि रिजल्ट और लिस्ट को लेके है।